आपके सामने है क्लास सेवन्थ जेम्स इंग्लिश रीडर के चैप्टर नंबर वन के आंसर्स चैप्टर नंबर वन होल्ड ओन रूबी जिसके आंस पहले हम पढ़ेंगे ट्रू ट्रूफॉल्स और फिर क्वेश्चन आंसर्स को ट्रू ट्रूफॉल्स में क्वेश्चन नंबर वन हेरियट वॉज टेन ईयर ओल्ड आंसर इज फोल्स क्योंकि हेरियट इस स्टोरी में एट ईयर्स की है सेकेंड क्वेश्चन जेन वॉस रूबी बेस्ट फ्रेंड आंसर फोल्स क्योंकि एलिजाबेथ रूबी की बेस्ट फ्रेंड है इस स्टोरी में एलिजाबेथ को रूबी का बेस्ट फ्रेंड बताया गया है थर्ड क्वेश्चन रूबी स्पेशलिटी इन स्केटिंग वॉज द आइस स्क्रैपिंग पायलोट रूबी की स्केटिंग में स्पेशलिटी क्या है कि वो आइस स्क्रैपिंग पायलोट बहुत अच्छा कर लेती है जिसमें एक पैर पर स्केट करते हुए गोल गोल घूमना होता है फोर्थ क्वेश्चन हैरियट डिड नॉट लीव हर सिस्टर इवन वेन द रूबी आस्क हर टू सेव हर सेल्फ जब रूबी ने यह कहा कि अपनी जान बचाओ तब भी हैरियट ने अपनी बहन को पीछे नहीं छोड़ा आंसर इज ट्रू इन द एंड हैरियट मैरिट मैनेज टू पुल रूबी आउट ऑफ द आइस वॉटर आखिर में हैरी हैरियट जो है अपनी बहन को खींच निकालने में कामयाब हुई आंसर इसमें गलत है क्योंकि रूबी ने हैरियट ने अपनी बहन को निकालने की कोशिश तो की थी पर वो निकाल नहीं पा रही थी तब आकर विल बैब्स्टर नाम की एक, एक व्यक्ति ने हैरियट को हटाकर उस टहनी को खींचा था जिससे रूबी बाहर निकली थी तो आंसर इसमें पोस्ट हैरियट ने नहीं विल बैब्स्टर ने खींचा था नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर वन डोंट गेट टू क्लोज टू स्लूस गेट क्वेश्चन है ये वर्ड किसने कहे और किसको कहे तो आंसर है इसमें आप देखोगे कि पैगी ने ये वर्ड्स रूबी से कहे नेक्स्ट है वाई डिड द स्पीकर वोन द लिसनर स्पीकर ने लिसनर को वोन क्यों uh, क्यों किया क्योंकि पैगी वोन रूबी बिकॉज द आइस नियर द स्लूस ग्रेट वॉज वीक क्योंकि वहाँ पर उस गेट के पास की जो बर्फ है वो बहुत कमजोर थी नेक्स्ट वॉट हैपन वेन द लिसनर डिड नॉट हेड द वार्निंग क्या हुआ जब वो लिसनर ने इस वार्निंग को नहीं सुना तो रूबी उस वीक सॉरी वीक आइस के पास गई जहां पर स्लूस गेट था और वहां गिर गई यू आर टू स्मॉल यू कैन नॉट गेट मी आउट गेट बैक ये वर्ड किसने कहे और किसको कहे तो ये आंसर रूबी ने अपनी बहन हैरियट को कहे। क्वेश्चन नेक्स्ट व्हाट वॉज द लिसनर ट्राई टू डू यहां पर लिसनर क्या करने की कोशिश कर रहा है रूबी फ्रॉम द आईसी वाटर यहां पर हैरियट अपनी बहन को आइसी वाटर ठंडे पानी से जो बर्फीला पानी है उससे निकालने की कोशिश कर रही है वट वॉज द लिसनर्स रिस्पॉन्स टू द स्पीकर वर्ड्स लिसनर का क्या रिएक्शन था इस पर क्या रिस्पॉन्स था हैरियट ने रूबी को पीछे छोड़ने में मना कर दिया और अपना संघर्ष करने में लगी रही अपनी बहन को बचाने में क्वेश्चन थ्री होल्ड ओन रूबी डोंट लेट गो हैरियट ये वर्ड किसने कहे आंसर इज विल वेबस्टर ने कही नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डिड द स्पीकर वांट रूबी टू डू स्पीकर रूबी से क्या करने के लिए कह रहा है स्पीकर चाहता है कि वो रूबी से कि वो उस टहनी को पकड़े रहे और उस टहनी को छूटने ना दे ियट नोट लेट से उस टहनी को न छोड़ने के लिए क्यों कहा क्योंकि वो वहां पर उनकी मदद करने के लिए आ रहा था और वो टहनी को खींच कर रूबी को बाहर निकाल निकालने में उनकी मदद कर सकता था नेक्स्ट है आंसर दिस क्वेश्चन वाई डिड रूबी एंड हर सिस्टर गो टू हार्पर्स पोर्ड रूबी और उसकी बहन हार्पर्स पोर्ड क्यों हार्पर्स पोन्ड क्यों गए रूबी एंड हर सिस्टर वेन टू हार्स प्ड फॉर स्केटिंग क्वेश्चन सेकेंड वाई डिड रूबी स्नैप एट हर सिस्टर मतलब रूबी जो है अपनी बहन से क्यों परेशान रहती थी मतलब क्यों पीछे छुटाना चाहती थी रूबी स्नैप एट हर सिस्टर बिकॉज ही ड्यू नॉट वॉन्ट हर सिस्टर टू टैग अलोंग एंड फेल्ड अनोन्स बाई हर परसेंस रूबी अपनी बहन से बहुत परेशान थी वो नहीं चाहती कि उसकी बहन हर जगह उसके साथ आए उसे उसे इससे बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट होती है उसके रहने से क्वेश्चन नंबर थ्री हाउ डू यू नो रूबी स्केटेड वेल आप ये कैसे कह सकते हो कि रूबी अच्छा स्केट करती है स्केटिंग बहुत अच्छा करती है वी नो रूबी स्केट वेल बिकॉज सी कॉन्फिडेंटली लीड अ ग्रुप एफर्टलेसली परफॉर्म स्केटिंग स्टंट लाइक द आइस स्क्रैपिंग पाई रोड एंड हर फ्रेंड ट्रस्ट हर टू लीड दैम ऑन द आइस हम ये जानते हैं कि रूबी स्केटिंग अच्छा करती है क्योंकि वो कॉन्फिडेंटली बहुत ही अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ अपना जो ग्रुप था उसको लीड कर रही थी और वो स्टंट्स भी कर रही थी जैसे आइस स्क्रैपिंग पाई रूट ये स्टंट था जिसमें गोल गोल घूमना होता है एक पैर पे और उसके जो दोस्त हैं उस पर भरोसा करती हैं इसलिए उन्होंने स्केटिंग करते हुए वक्त उसको सबसे आगे रखा वाट डिड रूबी सी वन सी लुकड फॉर हर फ्रेंड आफ्टर द आइस क्रैक्ड रूबी ने क्या देखा रूबी uh, ने तब क्या देखा जब आइस क्रैक हुई उस समय उसके जो दोस्त थे वो क्या कर रहे थे वैन रूबी लुकड फॉर हर फ्रेंड आफ्टर द आइस क्रैकड सी सो दैम लिविंग इन पैनिक जब रूबी ने अपनी दोस्त बर्फ़ टूटने पर अपने दोस्तों की तरफ देखा तो उसने देखा कि वो सभी जो हैं वहाँ पर घबराहट के मारे वहाँ से सभी भाग रहे हैं निकल रहे हैं फॉर इंस्टेंस पैगी जेन एलिजाबैथ हर बेस्ट फ्रेंड वेयर ऑल लिविंग द सीन हरीडली कि इस सीन में देखा गया कि पैगी जैन एलिजाबैथ जो उसकी बेहतरीन दोस्त है बहुत अच्छी दोस्त है वो सभी यहाँ से बहुत ही जल्दी जल्दी नि निकल रहे थे हाउ डिड हैरियड ट्राई टू सेव रूबी हैरियड ने अपनी बहन को बचाने की कोशिश कैसे की हैरियड ट्राई टू सेव रूबी बाई क्रोलिंग टूवर्ड्स हर ऑन द आईज एंड ऑफरिंग अ ब्रांच फॉर रूबी टू ग्रैब ओन टू हैरियत ने रूबी को बचाने के लिए रेंगते हुए वो बर्फ़ पर आई और एक टहनी फेंकी रूबी की तरफ जिससे रूबी उस टहनी को पकड़ ले और उसके सहारे बाहर आ सके थिंक एंड आंसर आई एम नॉट लिविंग सी विस्पर थ्रो क्लींचीथ नोट विद आउट यू विच एस्पेक्ट ऑफ हैरियट कैरेक्टर डू यू दिस लाइन रिवील यहाँ पर हमारे हैरियट के कौन से कैरेक्टर के बारे में पता चलता है दिस लाइन रिवील हैरियट डिटर्मिनेशन ब्रेवरी एंड लॉयल्टी टूवर्ड्स हर सिस्टर क्वेश्चन नंबर सैकिल रूबी आस्क हेरियर टू गो बैक एंड सेव हर सेल्फ वट डज दिस टेल अस अबाउट रूबी आंसर इज रूबी रिक्वेस्ट फॉर हैरियर टू सेव हर सेल्फ सो हर कंसर्न फॉर हर सिस्टर सेफ्टी अबाउट हर ओन रूबी अपनी बहन से जब ये कहती है कि वो अपनी जान बचाए इसे पता चलता है कि रूबी अपनी बहन की कितना परवाह करती है कि वो अपने आप अपनी जिंदगी को छोड़कर वो चाहती है कि उसकी जो छोटी बहन है वो ही बच जाए थर्ड क्वेश्चन रूबी फीलिंग अबाउट हैरियट चेंज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस लेसन इस स्टोरी में रूबी की जो फीलिंग है अपनी बहन को लेकर वो बदल जाती है आपको क्या लगता है कि ये चेंज क्यों आया आंसर रूबीज चेंज इज फीलिंग टू वर्ड्स हैरियट मी हैव बीन बोथ अबाउट बाई विटनेस हर सिस्टर्स ब्रेवरी एंड डिटर्मिनेशन टू सेव हर डिस्पाइट रूबीज अलियड रूबी में बदलाव इसलिए आया क्योंकि रूबी uh, ने हेरियट के साथ बड़ा ही बुरा बर्ताव किया था उसके बावजूद भी उसकी जो बहन है बड़ी बहादुरी से बहादुरी बड़ी बहादुरी और बड़ी ही uh, संकल्प के साथ अपनी बहन रूबी को बचाने की कोशिश कर रही थी इससे रूबी का जो बिहेवियर है वो बदल गया तो हम यहाँ पर हमारी जो स्टोरी है स्टोरी के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हुए स्टोरी का एक्सप्लेनेशन मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मिलती है नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय